हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग देख सकते हो मैं पूरा रेडी सेडी होके बैठी हूँ। तो मैं सोच रही थी आज आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग लेके आया जाए। आजकल कोरियन ग्लास स्किन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो उसकी कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कोरियन ग्लास स्किन का मतलब ये नहीं है एकदम वाइट और उसमें तो चेहरा दिखेगा नहीं, इससे ऐसा नहीं होता। कोरियन स्किन का मतलब होता है ग्लास स्किन का, यहाँ के पोर्स जो होते हैं हमारे फेस की वो पूरे अच्छी तरीके से बंद रहें और क्लोज रहे, क्लोज पोर्स रहें और हमारी स्किन स्पॉट्स फ्री रहें, एक्ने फ्री रहे, पिगमेंटेशन फ्री रहे और हमारे चेहरे पे बस कुछ ना हो, हमारी एकदम सॉफ्ट सी स्किन हो, क्लीन स्किन हो, स्पॉट्स फ्री स्किन हो। तो गाइज उसी के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं फॉलो करती हूँ रेगुलरली। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कोई स्पॉट्स नहीं है। ये हो गया था क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लग गया था, चोट लग गई थी, बट मेरे फेस पे ऐसे कुछ भी नहीं है। मेरी स्किन जो है एकदम क्लीन है, अच्छी सी है। अपनी खुद की तारीफ में किए जा रही हूँ। तो गाइज आज के ब्लॉग में बने रहना एंड तक और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे बढ़ने से पहले। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आज घर पे कोई भी नहीं है तो मैं आज अकेले ही शूट करने वाली हूँ, टीवी देखते हुए, गाने सुनते हुए। तो गाइज ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और जो भी स्टेप्स मैं बताऊँगी उन सबको आप वीकली फॉलो करिए तो आपको भी कोरियन जैसी ग्लास स्किन मिल जाएगी, वो भी विदिन वन मंथ। एक मंथ तक आपको ये रूटीन फॉलो करना है रेगुलरली। और गाइज मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ, जो मैं आज की रूटीन में एक सोक्ड राइस वाटर यूज़ करने वाली हूँ, तो वो सोक्ड राइस वाटर आपको डेली यूज़ करना है। आपको थोड़े से चावल भिगो के रख देने हैं, उसको तीन बार धो के, उसको जो पानी आप पीते हो उस पानी को भिगो के, उस पानी में भिगो के आपको वो चावल रख देना है और सुबह उसका पानी यूज़ कर लेना है। और उसका चावल का आप जो मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हो। मैं तो पक्षी को फेंक देती हूँ क्योंकि पक्षी को चावल खिलाना, दाना खिलाना मुझे पसंद है। तो गाइस व्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो गाइस मैंने ये पैक लगा लिया है और ये मेरा घर में बना हुआ फेस पैक है जो मैंने राइस एंड हनी एंड एलोवेरा से मिलके बनाया है, राइस फ्लोर आई मीन, वो सब मिला के मैंने इसका पैक घर में बनाया हुआ है क्योंकि मैं घर के ही बनाए हुए फेस पैक यूज़ करती हूँ। तो गाइस मैंने जैसे कि आपको बताया ये मेरा डेली स्किन केयर रूटीन है, डेली नहीं सॉरी वीकली, पैक इज़ वीकली बट बाकी का जो रहेगा वो डेली स्किन केयर रहेगा। सो गाइज आप लोग इसको वीकली फॉलो कर सकते हैं और ये जो मैं स्किन केयर आज रूटीन शेयर कर रही हूँ ये स्पेशल फॉर द ग्लास स्किन। आपकी ग्लास स्किन आजकल इतना ट्रेंड में कि हर किसी को ही ग्लास स्किन चाहिए। तो गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना बना दिया जाए क्योंकि मुझे पता है, मैंने रेमेडीज पढ़ी हैं बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है। तो गाइज सबसे पहले मैंने ही, आप सभी जानते हैं राइस फ्लोर राइस वाटर इज़ द क्या बोलते हैं उसको, ग्लास स्किन लाने में बनाने में बहुत ही हमारी हेल्प करता है। तो इसीलिए ये जो मैंने पैक लगाया है ये राइस फ्लोर विद हनी विद एलोवेरा मिक्स करके मैंने पैक लगा लिया। सबसे पहले मैंने फेस वॉश से क्लीन कर लिया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैंने ये पैक लगाया। इसको मेरे को 20 मिनट छोड़ना है, उसके बाद इसको हल्का हल्का रब कर देना क्योंकि स्क्रबिंग का काम भी करेगा, बिकॉज इसमें राइस फ्लोर है तो हल्के हल्के दाने रहते हैं, यहाँ पर थोड़ा कम लग गया तो मैं लगा लेती हूँ थोड़ा और। गाइस मैंने पैक थोड़ा पतला बना लिया था इसलिए मुझे गिरने का डर लग रहा है क्योंकि मैं नहा धो के ये बना रही हूँ व्लॉग, इसीलिए मेरे कपड़े ना गंदे हो जाएं। तो इसका पैक थोड़ा मोटा ही बनाना जिससे कि ये टपके नहीं और गिरे नहीं, मेरा थोड़ा पतला हो गया था बट कोई नहीं। तो गाइस इसको रखते हैं 20 मिनट और मिलते हैं 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद के रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तब तक मेरे व्लॉग में बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को कर दीजिए चैनल को, मिलते हैं थोड़ी देर में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइज मैंने फेस वॉश कर लिया है और आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा रोशनी में दिखाती हूँ सनलाइट में, तो अब देखो कितना अच्छा रिजल्ट है। ये पैक बहुत ही अच्छा है, मतलब आप सभी जानते हैं कि हनी जो है बहुत इफेक्ट करता है हमारी स्किन की, स्किन को हेल्दी और ग्रोइंग रखने में, तो इसी हनी मैंने बहुत सारा मंगाया हुआ है। मैं तो हमेशा उसका पैक बना बना के कुछ ना कुछ लगा ही रहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। एंड गाइस दूसरी चीज़, आज घर में मेरे कोई नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड की ऑफिस में पार्टी है, वो वहाँ पे बिजी हैं तो मैं आज अकेले ही हूँ, तो अकेले मैंने पूरे तरीके की साफ़ सफाई की, फिर मैंने टीवी चलाया और टीवी में मैंने बजाया हुआ गाना जरे टू। आप देखो
ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तब से आया ना, मैं इस पर रील बना चुकी हूँ, 3-4 बार रील बना चुकी हूँ, और मैंने फुल सॉन्ग भी डांस भी बनाया है इस पर। तो गाइस मैं अकेली हूँ आज घर पे, तो मैंने आज खाने में बनाया था सेम की सब्जी एंड रोटी, तो मैं खाना वाना सब खा चुकी हूँ। तो आगे का स्किन केयर करने से पहले मैं पानी पी लेती हूँ। तो गाइस चलो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट था फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लेना है, सेकेंड हमने मैंने पैक लगाया अपने फेस ही बना के, थर्ड आप लोग सभी जानते हो राइस वाटर, सो राइस वाटर मैंने डेली रखती हूँ, और जो भी मैं उसके राइस बचते हैं वो मैं कबूतरों के लिए या पक्षियों के लिए मैं डाल देती हूँ। तो उससे मुझे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो मेरी स्किन अच्छी होती है एंड दूसरा कबूतरों को खाना मिलाती हूँ, तो मुझे थोड़ा पुण्य मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस चलो अपने फेस पे यूज़ करते हैं सोक्ड राइस वाटर, जो कि मैंने पहले से रखा हुआ था बना के, वो है ये। तो आप इसको कॉटन पैड से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी कॉटन पैड अवेलेबल नहीं है, तो मैं हाथों से ही यूज़ करूँगी इसको। मैं कभी कभी इससे फेस वॉश भी कर लेती हूँ और इसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देती हूँ अपनी स्किन में। गैस अगर स्किन के डांस वांस के साथ हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप डांस करते हैं तो इसका मतलब हम अंदर से खुश हैं और अंदर से खुश रहते हैं तो नेचुरल स्किन ग्लो करती है, तो नेचुरल स्किन ग्लो करनी है तो मैंने बजाया हुआ गाना साइड में, और मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ और अपना स्किन केयर भी कर रही हूँ। तो देखो मेरे कितना दिन दिन काम हो रहा है, तो मुझे कितना मज़ा आ रहा है। और ये देखिए कंबल मेरा यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी नंद अभी यहीं पे बैठी हुई थी, वो टीवी देख रही थी यहीं पे बैठ के, तो कंबल ऐसे रख के चली गई है। तो चलो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब गाइस मैंने अभी जो सोक्ड राइस वाटर अपने फेस पे यूज़ किया है उसको अपनी स्किन पे अच्छे से ऑब्जर्व होने दें, वो पूरा अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा, स्किन उसको सोख लेगी, तो उसके बाद में हम यूज़ करेंगे टोनर। तो चलो वेट करते हैं इसको ऑब्जर्व होने का, तब तक थोड़ा डांस हो जाए। एक नंबर है रे झटी, एक नंबर है। सो गाइस राइस वाटर फेस ने अब्सॉर्ब कर लिया है, एंड उसके बाद अब मैं यूज करने वाली हूँ ये टोनर राइस वाटर, ये भी राइस वाटर का है। मैसराइज का नाम भूल गई थी, नेचुरल सीरेमाइड फेस टोनर विद राइस वाटर एंड लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, बिकॉज मेरे बहुत सारे टाइप के टोनर हैं तो इसलिए नाम मुझे याद ही नहीं रहा कि ये कौन से वाला है। तो गाइस इसको अच्छे से अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेना है, फिर इसको भी एब्जॉर्ब कर लेना। हाँ जैसे कि आपने सोक्ड राइस वाटर यूज़ किया, तो उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद में आपको थोड़ा रुक जाना है, थोड़ा वेट करना है आपने, एक मिनट, जब तक एब्जॉर्ब नहीं होता तब तक आपको वेट करना है, देन उसके बाद इसको अप्लाई करना है, और तब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होता इसका वेट करना है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सीरम, फेस सीरम इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और एक हम थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए तो स्किन केयर ज़रूरी है, इसलिए स्किन केयर ज़रूर करना चाहिए। स्किन केयर नहीं पूरा बॉडी केयर, आई मीन मतलब कि ऐसा नहीं कि बाहर बाहर से आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो एंड दैट्स नॉट गुड। आपको खाना पीना पड़ेगा, आपको अच्छे से रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी पड़ेगी एंड आपको पानी पीना पड़ेगा खूब सारा। तो गाइस ये सब चीज़ें भी ना मैंडेटरी होती हैं एंड यू शुड आपको अपनी लाइफ में यूज़ करनी चाहिए, और रेगुलर जैसे खाना खाते हो पानी पीते हो ना, वैसे ये सब चीज़ें आपको रेगुलरिटी में लानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप टोनर यूज़ करो, इफ़ यू डू नॉट हैव टोनर आप घर में बना सकते हो, टोनर घर में बन सकता है। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे बहुत सारी रेमेडीज मैंने दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। एंड सॉफ्ट राइस वाटर टोनर का ही काम करता है, तो यही भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो मैक्सिमम डेली यही यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया इसके बचे हुए चावल मैं पक्षियों को खिला देती हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस
लस्ट सैप वो वीकली स्किन केयर। ये है मेरा क्या बोलते हैं इसको यार, मॉइस्चराइजर। सो गाइज सीरम हमने अप्लाई कर लिया था, ये डर्मा का सीरम है मेरे पास। एंड फेश सबसे पहले इस टाइम मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से एक बार, सबसे पहले हमने यूज़ किया फेश वॉश, जो कि मैंने टी ट्री का फेस वॉश यूज़ किया था। देन उसके बाद मैंने अपने फेस पे लगाया फेस मास्क, वो भी घर में बना हुआ। एंड उसके बाद में मैंने क्या किया, सोक राइस वाटर यूज़ किया। देन उसके बाद मैंने टोनर यूज़ किया, उसके बाद मैंने सीरम यूज़ किया। एंड अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र ले लिया मैंने थोड़ा सा अपने हैंड पे और इसको अपने फेस पे लगवाने वाली हूँ। अच्छे से अप्लाई कर लेना है, बचा कुछ अपने हाथों पे। अच्छा लग रहा है ना? तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा स्किन केयर रूटीन? आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर अपनी लाइफ में यूज कीजिएगा। और फेस पैक आपको डेली नहीं लगाना है, फेस पैक को छोड़ के आप बाकी का रूटीन आप डेली फॉलो कर सकते हैं। और नाइट में आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई नाइट क्रीम है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या घर में बना के एलोवेरा में विटामिन ई का कैप्सूल मिला के आप वो यूज़ कर सकते हैं, या वॉट एवर यू लाइक। सो यू कैन यूज़ एंड यू कैन ट्राई ऑन योर फेस अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। सो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आज की ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल।